हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13 सी फ़ोन है, तो रेडमी 13 सी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप फ़ोन के ऐप्स को एमआई मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करके आप कैसे अपने फ़ोन का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी न्यू फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ओल्ड फ़ोन का डाटा आप किसी भी न्यू फ़ोन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑल फाइल डाटा ट्रांसफ़र आप कैसे कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऑल फाइल डाटा ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। पर इसमें से बैक करके आपको चले जाना है प्ले स्टोर आइकन्स पे, जहाँ से आपको सर्च करना होगा एम आई मूवर ऐप्स। तो एम आई मूवर ऐप्स आपको मिल जाएगा, जिसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करते इस तरीके से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप ऑल फाइल डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी और आपके पास न्यू फ़ोन या ओल्ड फ़ोन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास ओल्ड फ़ोन है और ओल्ड फ़ोन का डाटा आप न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। बस सिंपली पासवर्ड डाल देना है और कुछ इस तरीके से इसमें सर्चिंग डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा, यानी सर्चिंग डिवाइस के जरिए आप ओल्ड फ़ोन का डाटा न्यू फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपका रेडमी फ़ोन है या एम आई या कोई भी अदर फोन कंपनी का फ़ोन है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से नेटवर्क को कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एंड्रॉयड डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफ़र आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से ओल्ड फ़ोन का डाटा अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एम आई मूवर ऐप्स के जरिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो